जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे कृषि बिल 2020 क्या है, इसमें क्या कमियां हैं, क्या इसके फायदे हैं, इसका विरोध क्यों हो रहा है, इसका विरोध पंजाब में क्यों हो रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि आज के टाइम में जो किसान है फसल अपनी कैसे बेचता है। तो देखिए, किसान ने फसल उगा ली, अब वो चाहता है कि उसकी सारी फसल एक साथ बिक जाए। इसके लिए वो रुख करता है जी मंडी का, उसको हम बोल देते हैं मंडी सिंपली, या APMC, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जो बायर है और जो फार्मर है, किसान है, इसके बीच में सीधा संपर्क नहीं है। इसको खरीदना है, इसको बेचना है, उसके बीच में सीधा संपर्क है ही नहीं। वहाँ क्या होता है कि जो फार्मर है ये सीधा यहाँ नहीं जा सकता, या जो बायर है ये सीधा किसान के पास नहीं आ सकता। इनके बीच में आता है जी मिडलमैन। मिडलमैन क्या करता है, दोनों का लॉस करता है। ये यहाँ मलाई खाता है, यहाँ मलाई खाता है, इससे कमीशन लेता है और इससे भी कमीशन लेता है। हमें फॉर एग्जाम्पल, जो एजेंट है उसने मान लो गेहूँ खरीदा है किसी किसान से 15 रुपीज़ पर केजी। अब ये क्या करेगा बिचौलिया है, ये सेम गेहूँ बायर को बेचेगा 20 रुपीज़ पर केजी में। अब ये बायर है, अपना बेनिफिट जोड़ेगा और क्या करेगा, कंज्यूमर को बेचेगा, जो एंड कंज्यूमर है जिसको कंज्यूम करेगा उसको बेचेगा ये 30 रुपीज़ पर केजी में। अब लॉस किसका हुआ, किसान का हुआ, बायर का हुआ और एंड कंज्यूमर को हुआ। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या एक प्रोविजन लेके आया है एक बिल के थ्रू, इसको बोलते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। इसमें एक प्रोविजन है प्राइवेट मंडी का। प्राइवेट मंडी में क्या है कि एक तो फर्स्ट थिंग इट इज़ टैक्स फ्री, किसमें किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। दूसरी बात कि यहाँ डायरेक्ट सेल है, क्योंकि यहाँ बिचौली नहीं है, तो सेल आपकी डायरेक्ट होगी किसान की और उसको फ़ायदा होगा। दूसरी बात कि यहाँ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल पैन कार्ड जिस इंसान के पास हो वो यहाँ जाके खरीद सकता है, बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस चक्कर में, इस सिस्टम के अंतर्गत क्या है, जो किसान की आय है बहुत ही स्लो स्पीड से बढ़ रही है। एक अनुमान के अनुसार कि 1955 के बाद में जो किसान की आय है कि वो कितनी बढ़ पाई है, केवल 25 गुना बढ़ पाई है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1955 में किसी किसान की जो इनकम थी वो 10,000 रुपये थी, तो आज के टाइम में सिर्फ कितनी हुई है जी 2,50,000 रुपये हुई है। अगर कंपेयर करें गवर्नमेंट एम्प्लॉय से, तो उनकी जो आमदनी है वो कितनी बढ़ गई है, 200 गुणा बढ़ गई है। और रीज़न ये कि जो मलाई है कोई उनकी और खा जाता है। अब सेकंड पॉइंट है, सेकंड बिल क्या है कि एग्रीमेंट एंड प्राइस एश्योरेंस बिल, की जो प्राइस है किसान की जो कि फसल है उसका अश्योर करते हैं, फिक्स करते हैं। इसमें एक प्रोविजन दिया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बड़ी कंपनियाँ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसान के साथ कि इतनी फसल उगाइए आप इस अपने जो खेत है इसमें, और हम आपको एक फिक्स प्राइस दे देंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कोई ब्रेड कंपनी है, बिस्किट कंपनी है, उसने एग्रीमेंट कर लिया है किसान के साथ कि आप गेहूँ उगाइए, हम आपको 2200 रुपये प्रति क्विंटल गेहूँ के दाम आपको दे देंगे। तो जब मार्केट में जब गेहूँ आता है तो चाहे किसी भी प्राइस कुछ भी रहेगा गेहूँ की, लेकिन वहाँ उन जो किसान है उनको कितना मिल जाएगा, 2200 रुपये प्रति क्विंटल प्राइस उनको मिल जाएगी। तो ये फायदे की बात है, नुकसान की बात नहीं है। दूसरी बात की एक और इसमें बिल है असेंशियल कमोडिटी बिल, आवश्यक वस्तु अधिनियम बिल। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट इस कुछ जो आइटम उन पर छूट देना चाह रही है, जैसे कि जो एडिबल ऑयल हैं, पटाटो हैं, इन पर छूट देती है कि आप इनको स्टोर कर सकते हो, जब भी कीमत अच्छी लगे आपको उसको बेच सकते हो। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि एक तो समस्या होगी उत्पन्न होर्डिंग की, कि जमाखोरी की। अब जमाखोरी जहाँ होती है वहाँ प्राइस राइज हो सकता है, वस्तु कम पड़ेगी तो क्या होगी, प्राइस उसकी बढ़ जाएगी। दूसरी बात कि जो छोटे किसान हैं उनके पास ना तो गुंजाइश है कि फसल को वो रोके रखें, क्योंकि बस पहले पैसे नहीं है। दूसरी बात कि उनके पास स्पेस नहीं है, तो छोटे किसान इसमें सफ़र करेंगे, पिसेंगे। तो ये इस पॉइंट का विरोध करना चाहिए। अब इसमें है कि केवल पंजाब में ही विरोध क्यों हो रहा है। देखिए पंजाब में जो मंडी टैक्स है वो सबसे हाई है। पंजाब में जो मंडी टैक्स एट प्रेजेंट है वो 8.5% है, 8.5% है। हरियाणा में 6.5% है। GST से पहले कितना था, 14.5% था पंजाब में मंडी टैक्स, और हरियाणा में था 11.5%। तो इस चक्कर में जो गवर्नमेंट है वो विरोध कर रही है इसका कि ये बिल ना आए, क्योंकि उनको इससे क्या होगा कि हजारों करोड़ का उनको नुकसान होगा। इनको फायदा होता है, क्योंकि जो ये मंडी होती है यार स्टेट स्पॉन्सर्ड, कि जो उनका जो फायदा होता है कहाँ जाता है, स्टेट को जाता है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उनको नुकसान हो, इसलिए। अब दूसरी बात, अब देखना कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं मोस्टली मिडिलमैन हैं या किसी विशेष पार्टी के क्या हैं कार्यकर्ता है, ये उनको उकसाया गया है। क्योंकि देखिए नुकसान किसान का इसमें है नहीं, हाँ जो अच्छी चीज़ उनका आप सपोर्ट कीजिए, जो बुरी चीज़ उनका विरोध करिए। एक बात है कि MSP के बारे में इस बिल में कोई नहीं बताया गया कि MSP रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन MSP है कि वो रहना पड़ता है। क्योंकि 2013 में एक बिल आया था नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी बिल,
उस टाइम पीएम थे मनमोहन जी, उन्होंने एक बिल के अकॉर्डिंग किया है कि जो गवर्नमेंट है उनको लगातार जो फसलें हैं अनाज हैं खरीदनी पड़ती हैं, तो इसमें एमएसपी है वो कहीं नहीं हिलने वाला। सिर्फ बात की कि क्या बेनिफिट रहेंगे इसके, बेनिफिट ये है कि पहली बात तो कि जो किसान है उसको उच्च कीमत मिलेगी, जो उसकी फसल है उसकी कीमत अच्छी मिलेगी। दूसरी बात कि एंड कंज्यूमर तक जो आइटम है वो सस्ती कीमत पे पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ बहुत स्टेज होती है, मिडिल मैन है, बायर है, तो कई स्टेज में पहुंचता है तो उसको कीमत है वो बढ़ी हुई मिलती है। यहाँ इसमें सिस्टम में क्या रहेगा कि कंपटीशन के चक्कर में जो प्राइस है उसको कम प्राइस में मिलेगा। दूसरी बात की मोनोपोली का एंड हो जाएगा, एकाधिकार की एपीएमसी है वो मनमानी करते हैं, यहाँ के एजेंट हैं वो हैरेस करते हैं किसान को, तो जो मोनोपोली है एकाधिकार उनका वो जाता रहेगा। दूसरी बात की लाइसेंस राज, यहाँ देखिए जो हर एजेंट है, हर जो आदमी वहाँ काम कर रहा है उसका एक लाइसेंस होता है, उसके लिए कमीशन खाते हैं, करप्शन चलता है वो भी खत्म हो जाएगा। दूसरी बात की टॉर्चर ऑफ फार्मर नहीं रहेगा, कि तो किसान वहाँ 10 दिन तक बैठे रहते हैं, इनको फसल नहीं बिकती, वो मुँह ताकते हैं एजेंट का, लेकिन उनकी फसल नहीं बिकते, क्या करता है किसान दुखी होकर बोलता है इसमें इतने बिकवा दे, तो उससे उसका लॉस होता है, टॉर्चर होता है। दूसरी बात की सेम डे पेमेंट, इसमें एक प्रोविजन है कि आप सेम डे पेमेंट कर सकते हैं, सेम डे इसमें पेमेंट जो होगी आपको सेम डे होगी। यहाँ क्या होता था कि जो एजेंट था, जो बायर था, रिटेलर था, वो उसको काफ़ी टाइम तक पेमेंट उसकी नहीं किया करते थे। सिर्फ बाकी जब कंपटीशन होता है या कंपटीशन होगा प्राइवेट मंडी में और गवर्नमेंट मंडी के बीच में, तो किसान जहाँ चाहे उसको अच्छी प्राइस मिले वहाँ जाके बेच सकता है। इसमें एक प्रोविजन और है इंटर स्टेट सेलिंग का, कि आपको मान जरूर नहीं कि आप हरियाणा के तो हरियाणा में जाके बेचोगे, आप चाहे तो MP चले जाओ या जहाँ जिक्र वहाँ चले जाओ, इंटर स्टेट जो सेलिंग का यहाँ प्रोविजन है। ठीक है जी, अब पूरी दुनिया में कौन सा फॉलो हो रहा है, पूरी दुनिया में ये फॉलो हो रहा है कि जो वहाँ प्राइवेट मंडी भी होती है और सरकारी मंडी भी होती है, दैट इज कॉल्ड APMC। दूसरी बात की जो पंजाब के जो किसान यहाँ आए हुए हैं उनको पता होना चाहिए कि जो इसमें 2017 में क्या कहते हैं कि जो पंजाब गवर्नमेंट थी उसने इसको अलाउ कर रखा है, वहाँ बहुत सी प्राइवेट मंडी पहले से ही वर्किंग है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।